अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ हबीबुल्लाह और आप देख रहे हैं टीवी में उर्दू 200 वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि हर हमारी आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुँचता रहे। दोस्तों, वक्त जाए के बगैर बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों, ऑस्ट्रेलवी वज़ीर आज़म स्कॉट मॉरिसन अपनी टीम के खिलाड़ियों को पानी पिलाने के लिए मैदान में पहुंच गए। ऑस्ट्रेलिया के ओवल क्रिकेट ग्राउंड में श्रीलंका और प्राइम मिनिस्टर एल्वियन के दरमियान खेले जा रहे वार्म अप मैच में इस वक्त दिलचस्प सूरत हाल पैदा हुई जब पानी के वक्फे में ऑस्ट्रेलवी वज़ीर आज़म खुद को ग्राउंड में अपनी टीम के खिलाड़ियों को पानी पिलाने के लिए आ गए। दोस्तों, इस मौके पर टीम के खिलाड़ियों और ग्राउंड में मौजूद शायकीन क्रिकेट वज़ीर आज़म स्कॉट मॉरिसन के इस इकदाम को खूब सराहा और उसकी खूब तारीफ की, क्योंकि वज़ीर आज़म खुद चलकर उन बैट्समैनों के पास आ गए जो खेल रहे थे। इस मौका पर टीम के खिलाड़ियों और ग्राउंड में मौजूद शायकीन क्रिकेट ने वज़ीर आज़म स्कॉट मॉरिसन के इस इकदाम को खूब सराहा और खूब उसकी तारीफ की, क्योंकि वो खुद चलकर ग्राउंड में आए। दूसरी जानिब सोशल मीडिया पर भी ऑस्ट्रेलवी वज़ीर आज़म की जानिब से ऑस्ट्रेलवी वज़ीर आज़म की जानिब से खिलाड़ियों को खुद जाकर पानी पिलाने के इकदाम के जम की तारीफ़ की जा रही है। ऑस्ट्रेलवी वज़ीर आज़म खिलाड़ियों को पानी पिलाने मैदान में आ रहे हैमिज ऑस्ट्रेलवी वज़ीर आज़म खिलाड़ियों को पानी पिलाने मैदान में आ रहे हैमिज में तो प्राइम मिनिस्टर एल्वियन को श्रीलंका ने शिकस्त से दो चार किया, मगर ऑस्ट्रेलवी वज़ीर आज़म का अमल तारीख रकम कर गया। दोस्तों, इसके बारे में आपकी क्या राय है? उन्होंने काम ये अच्छा किया या नहीं किया? उनको पानी पिलाना चाहिए था या नहीं पिलाना चाहिए था? दोस्तों, इसके बारे में अपनी कीमती राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपने प्यारे प्यारे दोस्तों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। एक लफ्ज़ दुआ का ज़रूर बोलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।